भैया एक दूध की बोतल छोड़ देते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सो गाइज, यहाँ पर मुझे कीर्तन ने तो छोड़ दिया है, अब वो अपनी दीदी को लेने जा रखा है। और थैंक यू छोटे भाई, आपके लिए आप बहुत अच्छी राइड करते हो और आपने जल्दी भी पहुँचा दिया मुझे यहाँ पर। तो चलिए भाई, अभी यहाँ पर जो है मैं रुक चुकी हूँ, उसका वेट कर रही हूँ। बाकी गर्मी भी बहुत हो रही है, आई डोंट नो कि पता नहीं कितने मिनट तक वो यहाँ पर आएगी। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आते हुए देखे, यहाँ पर से देखे कितनी ज़्यादा आग लगा रखी है लोगों ने। और यहाँ नीचे भी देखते हैं, यहाँ भी पहुँच रखी होगी फिर तो आग। हाँ बिल्कुल, ये देखिए यहाँ भी पहुँच रखी है। बाकी एक रोड यहाँ से ऊपर को जाती है दोस्तों, सिदोली के लिए। यहाँ से सीधा ऊपर एक गांव पड़ता है उधर साइड, वहाँ को जाती है। और ये वाली तो सीधा जो है कि बद्रीनाथ हाईवे की रोड है। यहाँ पर बोल्ड भी एक डेस्टिनेशन शो हो रहा होगा। बाकी दोस्तों, आज हम फिर जा रहे हैं रघुनाथ मंदिर, और आज मंगलवार भी है, हनुमान जी का दिन भी है। तो फिर से जो है कि मेरी दोस्त ने कहा उसे जो है कि फिर से जो है कि मंदिर जाना है, और मंदिर सीधा होगा यहाँ से नीचे। रास्ता तो खैर यही है यहाँ से ऐसे जाने का, यहाँ से ऐसे राउंड होके एक रास्ता, वैसे सीढ़ी वाला भी है, यहाँ से सीधा आगे जाएंगे तो वहाँ से सीढ़ी वाला रास्ता भी पड़ता है। बट वो रास्ता थोड़ा सा पतला भी है, झाड़ी वाला भी है, तो यही कम्फर्टेबल है चलने के लिए। और आने वाले समय पे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है कि रोड अच्छी भी बन जाएगी, तो जाने में और भी सुविधा हो जाएगी, जिससे कि गाड़ी जो है कि पूरी नीचे तक जा सकती है। वैसे तो जाती होगी, पर रास्ता अगर और अच्छे से बन जाएगा ना, जैसे जिस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है, तब तो और ही अच्छा हो जाएगा। बाकी देखिए नीचे से आजकल ना आग जला जला के कैसा हो रखा है भाई पहाड़ में, देखिए आप कैसा हो रखा है। तो गाइज, मुझे यहाँ पर 10 मिनट तो हो ही गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी दोस्त का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं कब तक पहुँचेगी, और जब ये ब्लॉग ऐड होगा ना और तू मेरी वीडियो देखेगी, स्पेशली तुझे बोल रही हूँ, और साथ में और दोस्तों को भी बोलना चाहूँगी कि जब तुम कहीं पे कोई ट्रिप बनाते हो और मुझे बोलते हो कि चलना है, तो भाई मुझसे ना वेट मत कराया करो। मुझे ना वेट करना बहुत ही बेकार लगता है कसम से, और क्या ही बोलूँ यार, वेट करना किसी को भी मुझे लगता अच्छा ही लगता होगा यार, अब किसी को होता ही है, टाइम लगता ही है। चलिए बाकी दोस्तों, अब यात्रा सीजन का खुलने का टाइम भी आ चुका है। परसों तो जो है कि केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे, और उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। मतलब कि देखा जाए अब उत्तराखंड के चारों धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, और आप सभी को उत्तराखंड के चारों धाम की जो ये यात्रा शुरू होने वाली है, उस सभी की ढेर सारी शुभकामनाएँ।
और आइए अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए। हमने तो पिछली बार कर दिए थे बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन, इस बार भगवान चाहे तो फिर से हो जाए दर्शन और साथ में गंगोत्री यमुनोत्री की भी हो जाए, और क्या ही मांग सकते हैं भगवान जी से। इस मुझे यहाँ पर लग गई है प्यास, ये तो आए नहीं अभी तक। मैंने यहाँ पर ले रखी थी हम तीनों के लिए एक एक ये रियल जूस के डिब्बे, तो इसे पी लेती हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर बैठ रखी हूँ, इसका वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब तक आएगी यार ये लड़की। आ गई है ढक्कन और बीच में डॉल बैठी, पर आएंगी नहीं इस रास्ते से। ठीक है ठीक है। हेलो, गाइस लोकेशन चेंज हो गई है, अब ये इस रास्ते से जा रही है जो सीढ़ी वाला रास्ता है। भाई मेरे को नहीं पता ये रास्ता, बहुत पहले आई थी मैं, याद नहीं है कैसा है, पर ठीक है ठीक है। अरे यार सच में ये तो दूसरा वाला लग रहा मुझे, वो जो ले गई थी वो तो दूसरा था। तो चलिए भाई नए रास्ते से जा रहे हैं। ध्रुविका हाय, तो गाइस तो आज इसकी हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी दीप्ति, थैंक यू। ओ आ मम्मा की एनिवर्सरी है भाई, इसको बोल बोल के याद। तूने मेरे को कार्ड दे रखा था, यार दे रखा था यार तूने शायद व्हाट्सएप में, पीला पीला रंग का ना लग रहा है मुझे, शायद आ रखा था मेरे पास। हाँ तो दोस्तों इसकी, अरे यार मेरा कैमरा बर्फ ऑफ क्यों हो रहा है। दोस्तों इसकी शादी ना कोविड के टाइम पे भी, और एक चीज़ तो है यार जिन लोगों की शादी कोविड में हुई होगी ना वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि एक ऐसी महामारी आई थी जिस टाइम पर उनकी शादी हुई थी। और काफ़ी सपने होते हैं लोगों को अपनी शादी से कि ये भी आए वो भी आए, और उस टाइम पे कई लोग नहीं आ पाए होंगे, तो इस वजह से अब क्या करें दोस्तों, दोबारा तो शादी हो नहीं सकती है। अरे तो पर एक चीज़ है, एनिवर्सरी में पार्टी जरूर हो सकती है, क्यों तेरी शादी में नाचेंगे। भी आ सकते हो सितंबर अक्टूबर में, हाँ बस उसी टाइम पे ले जाओ ठंडे में। इस टाइम पे क्या है, इस समय थोड़े हल्की बर्फ है ना, बर्फ में मुझे जाना है यार आज, वहाँ इतने सारे व्लॉग। हाँ कुछ ये आग की वजह से भी हो रहा है दोस्तों, आजकल ना सब बीमारी हो रहे हैं भाई। ये कह रही मेरे को भी बुखार यार के थे, कह रही मेरी बेटी को भी बुखार यार के थे, आधे से ज़्यादा लोगों के हमारे शहर में मास्क ही लग रखे हैं। इसको तेरी वजह से, तो भाई मंदिर भी पहुंच गए हैं हम। बाकी यहाँ पे देखिए ये काट है, मैं तो लौट के आ गया, मैं इसीलिए आ गया कि देख तू है तो रोड़ा डालना है नहीं चलनी गाड़ी में, तो जो बिजली कर रहा हूँ मैं, कहाँ हुआ भाई, कहाँ हुआ माजी, आ नहीं 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 मैं तो ये मौका ही नहीं देता। देखो ओ महादेव जी बोलो, जय हो महादेव, जय हो जय 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 ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मैं कुछ नहीं ला छोड़ मैं आती हूँ। जय शिव शंभु भोलेनाथ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बाबा मौची मौची मौची, मम्मी कहाँ जा रही थी पानी लेने, है ना, तेरी मम्मी वहाँ जा रही थी पानी, चाहिए वो जा रही थी पानी लेने।